बुरहानपुर जिले में आदिवासी विभाग के आदिम जाति कल्याण विभाग के चपरासी बबन शेलके ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है, जिसके चलते परिजनों ने प्रभारी सहायक आयुक्त सुवर्णा खर्चे पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आदिम जाति कल्याण विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत बबन शेलके अपने ही अधिकारियों की प्रताड़ना से परेशान थे। इसके साथ ही उनका लगातार बार बार स्थानांतरण किया जा रहा था। बता दें कि एक ओर जहां 20 दिन पहले ही बहादुरपुर के छात्रावास में चपरासी का स्थानांतरण किया गया था, वहीं दूसरी ओर कुछ माह पहले सिंधी बस्ती स्थित बालक छात्रावास में भी इनका स्थानांतरण किया जा चुका था। बार बार के तबादलों से तंग आकर बबन शेलके ने एडीएम सहित अन्य अफसरों से न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं जब पीड़ित की सुनवाई नहीं हुई तो मानसिक तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। वहीं अधिकारियों का कहना है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित नहीं किया गया है, सिर्फ उन्हें उनके मूल पद स्थापना स्थल पर सेवाएं देने के लिए कहा था। पुलिस के द्वारा फिलहाल मर्ग कायम कर प्रकरण की जांच की जा रही है। मैं जब कार्यालय में आया था तो कि बताया कर्मचारी मेरे सामने तो नहीं आया है, फिर बाद में भी पता चला है मुझे कि 4 बजे के आसपास कि उसने सुसाइड कर लिया है। अब मामला ये था कि कार्यमुक्त शायद यहाँ अतिशेष में थे ये लोग, तो किस संस्था के लिए उसको आर्डर किया था पर वो गया नहीं था। आज ऐसा कहीं बोला गया था कि वो चले जाए संस्था में, बस इतनी बात हुई है, बाकी और कोई बात नहीं हुई उसमें। बबन शेलके अभी पहले सिंधी बस्ती के लिए उसको कार्यमुक्ति किया था यहाँ से अप्रैल मई में, और उसके बाद वो वहाँ पर काम करने के बजाय एडीएम ऑफिस में खुद ही अटैच हो गया था बिना कार्यालय की अनुमति के, और 30 अगस्त 2024 को एडीएम सर ने वापस उसको इस कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर दिया। अब सरकार के जो निर्देश है उसके अनुसार जितने स्वीकृत पद हैं उसी के अनुसार ही हम कर्मचारियों का वेतन निकाल सकते हैं। बहादुरपुर का जो जहाँ इसकी मूल नियुक्ति है वहाँ पर एक अंशकालीन कर्मचारी अतिरिक्त काम कर रहा है और ये यहाँ पर अटैच था, तो अंशकालीन का वेतन देने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उसको अभी 30 अक्टूबर को हमने बहादुरपुर के लिए कार्यमुक्त किया। 30 अक्टूबर को कार्यमुक्त करने के बाद वो आप यहीं कार्यालय में आ रहा था। आज सुबह सिर्फ उसको एक ही वाक्य कहा कि बबन आपको बहादुरपुर के लिए कार्यमुक्त किया है, आप वहाँ पर गए क्यों नहीं। इसके अलावा मेरी बबन से कोई बात नहीं हुई।